स्टार्ट सर। मेरा आवाज आ रहा है आपको? यस हाँ सर, सर, ऑल राइट। हाँ, आपको क्या क्वेश्चन है सर, उसको पूछना है मुझे। ओके फाइन सर। हेलो। हाँ सर, हाँ, एक्चुअली ये जो है ना, ये मेरा खुशी के लिए कर रहा हूँ। ओके, मैं स्टडी मटेरियल भेजा था, उसको देखिए आपने क्या समझा है मुझे पता नहीं है। उसके बाद मुझे समझ में गया क्या मैं गलती किया बोल के। उसके लिए डाउट क्लियरिंग क्लास करेंगे बोल के किया हूं। मैं बोला था 3 दिन, आप कितना दिन करेंगे? करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका एंथुजियाज्म कैसा है, आप कैसे क्वेश्चन पूछते हो, उसके ऊपर रहेगा। आप कितना दिन चाहते हो तो आई विल रेडी टू डू इट। आपका जो डाउट्स है वो क्लियर होना चाहिए। सेकंड थिंग, जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग मैं आपको लाइव में करूंगा। फाइन, ऑल राइट सर, ठीक है सर, ऑल ठीक है राइट। सर, यस सर, ओके सर। ठीक। ओके, ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या? ऑल राइट। देखो, ऑलमोस्ट 17 पीपल को भेजा था, ओनली 10 पीपल, 10 लोग इधर ज्वाइन किया है, पता नहीं है। ओके फाइन सर, मैं ये डाउट क्लियरिंग ओके सर, सेशन को क्लियर करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं सर। सर, हम जो ट्रेडिंग करते हैं उसको आर्टिफैक्ट ट्रेडिंग बोलते हैं। आपने अभी सारे वीडियोस देखा है कि सर, आपने सारे यस सर। हाँ सर, वीडियो पूरे देखा नहीं है? देख यस। पाया हूँ मैं। क्या सर? नहीं सर, अभी प्रोग्रेस में सर। ऑल राइट, नहीं, आप किधर भी देखो आपके साथ रहेगा। अगर आगे इन द फ्यूचर आपको कोई वीडियो चाहिए, नहीं तो नया बैच का वीडियो चाहिए, मुझे पूछो, मैं दे दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन। थैंक यू ओके सर, सर। हाँ, कभी भी ओके सर, मुझे थैंक यू सर। ये कर सकते हो, लेकिन मुझे व्हाट्सअप करना, टेलीग्राम में कुछ चार्ट्स भेजना वो मत करना। क्लियर है ना? ओके ट्रेडिंग मेरे लिए पूजा है, आपके लिए मुझे पता नहीं है क्या है। मैं जो कहता हूं ओनली फ्रॉम ट्रेडिंग। क्लियर सर? मैं रोड पे था। ओके, ओके सर, जब मैं ट्रेडिंग शुरू किया था ऑलमोस्ट 30-40 लाख का लॉस करके, पता नहीं क्या करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना, वो करना, ये करना, यूट्यूब में सबको फॉलो करना, स्ट्रैटेजी है वो, इंडिकेटर्स लगाना, 30-40 लाख का लॉस करके रोड पे आ गया था। मैं एक दिन सुसाइड के लिए भी गया था। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, हाँ, यस। इसका मतलब क्या है, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, ट्रेडिंग इज अ प्रोसेस। ये पॉइंट क्लियर है सर? यस सर, आप जो कंपनी में काम करते हो, नहीं तो आपका खुद का बिजनेस है, मुझे पता नहीं है क्या है बोल के, पर डे इधर ऑलमोस्ट $10 बिलियन का बिजनेस होता है। फाइन, ये देखा है ना आपने, वीडियोस में बताया गया है। यस सर, देखा तो सर। कोई स्ट्रैटेजी से, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेडिंग नहीं होता है। क्लियर है ना? कोई इंडिकेटर से, क्लियर प्रोसीजर से, प्लान से। आपका जो ऑफिस में, जब आप ऑफिस काम करते हो उसमें आपको ट्रेनिंग देते हैं, करेक्ट, उनका प्रोसेस के ऊपर, वही प्रोसेस को आप साल भर करते हो, सही है ना सर? हाँ सर, हाँ, उसका मेंटरशिप भी होता है, वही है, ट्रेडिंग भी वही है सर। ये $10 बिलियन जो है उनका नेटवर्क भी नहीं है ऑफिस का, ये वन डे का बिजनेस है। चाहिए तो मैं आपको दिखाता हूं टोटल प्रोसेस है सर। सुनो क्या होता है, मैं आपको जो वीडियोस भेजा हूं सर, आपको सर मेरा बात सुनना है सर, आपको मेरा एक्सपीरियंस के साथ आपको बोल रहा हूं, इससे आसान भाषा में नहीं बोल सकता हूं मैं रोड पे आके सुसाइड करने के बाद ये बोल रहा हूं, समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या सर? यस सर, हाँ यस सर, सर, क्या यस हुआ था, एक दिन में मैं कैश में 10,000 क्वांटिटी लिया था कैनरा बैंक को 2017 जुलाई 21 पे। एक बैंक लोन लिया था, वन एक ही ट्रेड में 3,60,000 का लॉस। 4 लाख लोन लिया था एक ही ट्रेड में कैश मार्केट में, वो रात में मैं ये सोचा था भाई क्या करे आगे, कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। फाइन सर, ये सारे देख के, लाइफ को देख के मैं आपको बोल रहा हूं, मेरा बात सुनना है आपको। क्लियर? यस सर, ओके, मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं सर, मैं आपको जो वीडियोस भेजा हूं, देखो
इफ यू आर इन द क्लास यू दैट वुड हैव बीन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब मेरा क्लास में मैं आपके पीछे आता हूँ, मुझे पता नहीं आपने वीडियोस पूछे थे, मैं भेजा था, आपने कैसे यूज किया मुझे पता नहीं है. मैं बोलता हूँ, देखो सर एटलीस्ट नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स में आपको मिनिमम 5 टाइम्स देखना है सर, समझ रहे हो? ये ठीक है कॉन्सेप्ट सर, समझने में यस टाइम सर, लगेगा, ये पॉइंट क्लियर है सर? हाँ हाँ, सर, यस पॉइंट्स को समझने के बाद सर मेरा, मैं जो बोलता हूँ आपको बोरिंग लगेगा, थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं पागलपन लगेगा, लेकिन सच्चाई बोल रहा हूँ सर. मिनिमम 5 टाइम्स देखो सर. क्या होता है, सेकंड टाइम देखते हो कुछ नया सीखने को मिलेगा, थर्ड टाइम देखते हो कुछ नया सीखने को मिलेगा. मैं ऐसा नहीं बोल रहा, कंटिन्यूसली देखो, एक बार देखो, एक बार देखने के लिए 1.5 मंथ लगेगा क्या? सही है ना सर? यस हाँ, सर, आपका यस काम होना चाहिए एवरी डे एक एक सर, वीडियो को, एवरी डे वन आवर का वीडियो होगा ना, 1 आवर का वीडियो होगा, 1 आवर डेडिकेट करो लर्निंग के लिए, वीडियोस देखने के लिए. जब वीडियोस देखते हो आपका नॉलेज बढ़ेगा सर, क्लियर है ना? यस सर, सेकेंड चीज, जब आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, कॉन्सेप्ट को देखो आपका जो भी डाउट है मैं क्लियर करता हूं. जब आप कॉन्सेप्ट को समझते हो सर, उसको जो अप्लाई करते हो, 1 ईयर में 365 डेज है, सही है ना सर? यस सर, उसमें 100 डेज सैटरडे संडे आता है, 50 मान लो, 50 वीक्स, सही है यस सर, ना? हाँ, यस उसमें सर, मान लो 30 डेज छुट्टी होगा, ओके. अनदर 20 डेज आपने ट्रेडिंग नहीं किया, मान लो. मैं 365 डेज में सर, ये 150 डेज को हटाता हूं तो 220 बच गए सर. यस सर, हाँ 1 ईयर में 220 ट्रेडिंग डेज होगा, मानते हो क्या? यस यस सर, सर. हाँ सर आपको क्या करना है सर, ये जो कॉन्सेप्ट को पहले समझना है, वो कितना दिन लगेगा, 3 मंथ लगेगा, 6 मंथ लगेगा, पता नहीं है सर. ओके okay? मुझे 1 ईयर लगा था कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए. ओके okay? समझने के बाद एटलीस्ट आपको 220 ट्रेडिंग डेज को सिस्टम के सामने आपको देखना है सर. ए पॉइंट क्लियर है? जब तक कितना यस सर, डेज गुजरता नहीं है ना, आपको होल्ड नहीं आएगा. ए पॉइंट क्लियर है सर? यस सर, ए पॉइंट क्लियर है सर? यस जब तक सर, 440 डेज होगा, 440 मतलब 2 ईयर्स हो गया, सही है क्या? यस सर, इतना दिन तक आप कभी भी ट्रेडिंग का इनकम पे जिंदगी बनता हूं, मेरा मतलब मुझे हिंदी इतना नहीं आता है सर, ट्रेडिंग का इनकम पे मैं डिपेंडेंट होता हूं, ऐसा नहीं मानना है, ये स्टुपिडिटी बन जाता है. ए पॉइंट क्लियर है सर? यस सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आप 2 ईयर्स प्रॉफिट नहीं कर सकते हो, कर सकते हो. यू आर इन द लर्निंग फेज, आपने मार्केट को देखा नहीं है. ओके एटलीस्ट आपको 220 डेज चाहिए एक अंडरस्टैंडिंग आने के लिए प्रॉपरली. आपको अगर मान लो मैं इसी से कहता हूं, मेरा फैमिली कृषि को संभालता हूं, एटलीस्ट आपको 440 डेज ट्रेडिंग डेज को विद द नॉलेज आपको देखना पड़ेगा. ये पॉइंट क्लियर है सर? सर, हाँ सर. अगर कोई बोलता है 3 डेज का वर्कशॉप है, 2 दिन का वर्कशॉप है, 1 वीक का कोर्स है, हाँ, ये नहीं चलेगा सर मार्केट में, क्लियर है ना यस सर, हाँ, सर? मैं लास्ट टू मंथ्स पहले मेरा एक घर रिनोवेशन हो रहा था, उधर मैं उनसे बात कर रहा था, जो मेस्त्री है ना, उनसे मैं उनसे पूछा भाई कितना दिन का प्रैक्टिस है, कितना दिन में सीखा. मैं सोचा था कि 2-3 मंथ्स में हुआ होगा. ओके वो जो प्लास्टिंग सारे करता है ना सर, प्लास्टिंग करते हैं ना, घर का प्लास्टिंग करते यस हैं ना, सर, हाँ सर, उनसे पूछा मैंने सर कितने दिन में आपने ये सारे काम सीखा, टाइल्स लगा रहे हो कितना दिन में सीखा? मैं सोचा था 2-3 मंथ्स, 5 मंथ्स में सीखा होगा. सब बोलते हैं 7 ईयर्स हो गया, समझ रहे हो? जो बिल्डिंग का काम करता है मेस्त्री, उसको सीखने में 7 ईयर्स होता है, अभी भी वो बोलता है मैं सीख रहा हूं. हम पर डे $10 बिलियन का मार्केट है, उसको 2 मंथ्स में या 1 वीक का कोर्स में सीख सकते हैं क्या सर? बताओ, आप कॉमन सेंस लगा लो सर. नहीं ओके सर, पॉसिबल फाइन, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं सर, मार्केट का सच्चाई है. ये पॉइंट क्लियर है सर? सर,
सिर्फ मैं ही नहीं बोलता हूं सर, अगर सर वॉरेन बफेट भी सीखना है उसको इतना टाइम देना पड़ेगा, ये पॉइंट क्लियर है फाइन सर। सर कोई है इधर फुल टाइम करने वाले? कोई है सर? नहीं है? नहीं है तो नहीं बोलो सर। सर नहीं है अभी तो सर। नहीं है, ऑल राइट फ्यूचर का नहीं पता सर, नहीं सर। फुल टाइमर नहीं है। हाँ क्या होता है सर, फुल टाइम बन सकते हैं सर, मैं बोल रहा ना। हाँ मैं सपना देखा था फुल टाइम बनना है, मैं प्लान किया ओके क्या करना है मुझे, नेक्स्ट 1 ईयर में क्या करना है, 2 ईयर्स में क्या करना है, 3 ईयर्स में क्या करना है, मैं सोचा कब लेना है फुल टाइम लेना है, उसके लिए काम किया रात भर 24/7, सोया नहीं खाया नहीं। फाइन सर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम सर नहीं है, लेकिन कोई बेवकूफी नहीं करना सर, क्योंकि एक चीज मैं बता के आगे चलता हूं सर, जब आप ट्रेडिंग करते हो व्हेन यू लूज मनी ओके, सिर्फ आपका नहीं है सर, आपका फैमिली भी इन्वॉल्व है, ये पॉइंट क्लियर है सर। सर अगर वेट आपने मान लो 10,000 लूज कर दिया सर, आपने मेरा वीडियो देखा होगा, स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं होगा, लॉस है क्या? नहीं लॉस तो नहीं होगा सर, अगर कोई बेवकूफी किया तो लॉस होगा। अगर मान लो आपने 1 लाख रुपीज लॉस कर दिया सर, ये सिर्फ आपका पैसा नहीं है सर, ये आपका, इट बिलोंग्स टू योर फैमिली ऑल्सो राइट। सर तो कोई लोग बोलते हैं मुझे 20 लाख हो गया, 30 लाख हो गया, हाँ सबका होता है, बेवकूफी किए थे हम भी किए, सब लोग करते हैं, लेकिन सीख के आगे बढ़ना है, उसके बिना मैं और कुछ करता हूं नहीं होगा सर, समझ रहे हो ना, ये आपका फैमिली के ऊपर फर्क पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर आपको फुल टाइम करना है सर, मेरा ड्रीम था सर, हाँ मैं जब ये किया था, फिल्म एक्टर नहीं बन पाया, पॉलिटिशियन नहीं बन सकता हूं, कोई सेलिब्रिटी नहीं बन सकता हूं, क्या बन सकता हूं, ट्रेडिंग था मेरे पास, उसको सीखना था, यही मेरा इंटेंशन था सीखने का, लेकिन बेवकूफी किया स्टार्टिंग में, शुरुआत में समझ में नहीं आया था, जो सैलरी आता था सारे डालता था उसमें, जीरो हो जाता था, देखता हूँ नेक्स्ट मंथ सैलरी आता था, बड़ा पैसा आता था, मैं आई वॉज वर्किंग फॉर अ गुड कंपनीज, यू नेम ए बैंक आई वर्क देयर, लास्ट जब डूब रहे थे, लास्ट पत्थर जब मारा हाँ सर पर, सब समझ में गया मैं डूब रहा हूं बोल के, समझ रहे हो सर, आपको ये हाँ बेवकूफी सर नहीं करना है यस सर, ये पॉइंट क्लियर है, हाँ आपको सर सीखना यस है सर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, हाँ प्रैक्टिस करना है, मैं बोलता हूँ सर 440 ट्रेडिंग डेज को आपको सिस्टम के साथ देखो सर, हाँ प्रैक्टिस करो, 441th ट्रेड यू आर ए ट्रेडर सर, समझे ना, सर उसके पहले अगर ऐसा नहीं बोल रहा हूं प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, क्या होता है आपका माइंड में प्रेशर होता है फाइन सर, आपने नहीं देखा यस है ना, मार्केट को नहीं देखा है ना, आपका फैमिली में कोई मेंटर नहीं है ना, आप अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, मेरा बाप बोलता है नहीं ये गलत है इसको ऐसा करना है, कोई नहीं है ना मेरे पीछे, सही नहीं सर है ना सर, तो प्रेशर तो होता है, यस वो कारण से आप छोटा अमाउंट्स पे, मैं रिस्क मैनेजमेंट बताया हूं आपको, पता है ना, हाँ सर पता है देखा है सर। हाँ फाइन, मैं आपको ये भी भेज देता, क्या भेज देता, वो दिस इज कॉल्ड व्हाट इज दिस, ट्रेड जर्नल करना है ओके, ये मेरा स्टूडेंट है, आपका ये भी है था, आपको ऐसे ट्रेड जर्नल करना है सर, क्लियर है ना, यू हैव टू स्टार्ट विद सम अमाउंट ओके, कितने सर से, 2,500 से सर, समझ रहे हो ना, मैं बताया हूं मनी मैनेजमेंट, किसी को समझ में नहीं, मैं बता देता हूं आगे, 2,500 से इसने शुरू किया, इसका वर्किंग कैपिटल कितना है 2,500, क्या इसके पास पैसा नहीं था 2.5 लाख, इसके पास पैसा नहीं था सर, सर होगा सर, क्यों नहीं होगा। इसके पास था, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना था मार्केट में, उसने जो सीखा है उसके लिए उसका कैपिटल रहा 2,500, क्लियर, इसका मतलब है कैपिटल यस 2,500 है, मैं जो गलती करता हूं जो सीखता हूं इसी में सीखता हूं मैं, जब मैं 2 लाख डालता हूं तब बड़ा ट्रेड करूंगा, इसको पता है, समझ रहे हो ना सर, इसमें यस एसएल सर। कितना था। क्या हो सर, आपने वीडियो नहीं देखा है, फुल नहीं देखा है शायद, ना 25,000 बैलेंस के साथ इसका एसएल क्या होना चाहिए। 25 रुपीज का 25,000 नहीं है सर, 2,500, ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव फाइव हंड्रेड हंड्रेड हाँ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड
1% ऑफ दिस सर, 1% ऑफ दिस, अच्छा 25 रुपीज़, या ट्वेंटी थैंक यू फाइव सर, रुपीज अगर आप इधर 25 रुपीज़। देखते हो, ये पास हो गया ट्रेड 100 रुपीज, 1:4, इधर 1:1 मिला, इधर स्टॉप लॉस हो गया, कितना गया? 25 अराउंड 21 रुपीज, इधर स्टॉप लॉस हो गया, 21, कितना गया? तो 25 ट्वेंटी फाइव 25 इधर रुपीज़। स्टॉप लॉस जो हो रहा है, देखो ये पहले आपको सीखना है, समझ रहे हो ना सर? यस सर, यस सर, जब आज मैं ट्रेड किया था, जब मैं एंट्री मारा था टीसीएस में, 60 में एंट्री है, 66 में 700 रुपीज का रिस्क है, मेरा जो कैपिटल है 1 लाख में, क्या मेरे पास 10 लाख नहीं है करने के लिए? है सर। मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा नहीं डालना है, समझ रहे हो ना? मार्केट में ही कमाना है, मार्केट को अगर नेक्स्ट मुझे 2 लाख से करना है, इधर से ही आना चाहिए, समझ रहे हो ना सर? देखो आज मैं 10,000 कर दिया, इसका मतलब क्या है? मैं नेक्स्ट 10 ट्रेड्स गलत कर सकता हूं, समझ रहे हो ना सर? यस सर, 10 ट्रेड्स भी गलत भी किया, मेरा कैपिटल इतना ही रहता है, कोई बेवकूफी किया मैं लॉस कर सकता हूं, समझ रहे हो ना सर? यस सर, ओके नाउ यस सर, देखो 25 है, कितना ट्रेड्स हो गया? ऑलमोस्ट 79 सर, ये 2500 कब का था मुझे पता नहीं है, 1 मिनट, इफ यू वांट आई कैन आस्क, 25 अगस्त का है, अभी कितना है क्या? व्हाट इज द बैलेंस सर? सर 6,000। 6,000 कब से शुरू किया था? 2500 से, मैं क्या बोल रहा हूं सर, ये जो 79 है ना, इसको 400 कर दो, ओके? क्या यस सर, क्या क्या मतलब, व्हाट डू यू थिंक सर? अगर मान लो 400 एंट्रीज हो गया इधर, इसके पास नॉलेज नहीं है, अभी एक्सपीरियंस नहीं है, सब कुछ है ना यस सर, सर, अगर वो चाहिए तो कितने अमाउंट से भी ट्रेड कर हाँ, सकता है, सही है ना? यस सर, हाँ, हाँ ये ट्रेड जर्नल है, मैं आपको भेज देता हूं, देखो सर क्या है इसमें, समरी होता है, आपने क्या पढ़ा था, क्या हुआ मार्केट में, वो होना चाहिए इधर। हाँ वैसे इफ यू वांट आई कैन शो एनीबॉडी हियर द ग्रुप, ये मेरा सारा स्टूडेंट्स का है, प्रीति साहू, ओके प्रीति का मैं अभी दिखाता हूँ, वही चीज है सेम, आपका जो वीडियोस भेजा हूँ उसी में है, सही है ना प्रीति? ओके फाइन, इधर सुनो सर, सेम है, इसने आई डोंट नो मतलब 5,000 से शुरू किए थे, फाइन, यस सर, इसमें जो लॉस है इधर आपको दिखेगा शायद, हाँ सही है ना, फाइव यस थाउजेंड सर, से अभी 8,000 पे है इन 63 ट्रेड्स, समझ रहे हो ना सर? यस सर, यस आपको ऐसे देखो, किसी ने एग्जिट किया है नहीं है, बोरिंग लगता है ना ये सारे, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनता भी नहीं चाहते हैं सर, ये मार्केट का सच्चाई है सर, ये पॉइंट क्लियर है सर, यस सर, इसमें आपको आगे बढ़ना है ऐसे ऐसे करके सर, कोई बेवकूफी मत करना, आपका फैमिली को परेशानी मत करना, क्लियर? हाँ सर, मतलब देखो क्या होता है, उनको पता यस नहीं है, सर, फैमिली को ट्रेडिंग का मतलब ही पता नहीं है, वो जो समझते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास भी नॉलेज नहीं है, फिर भी हम कोई बेवकूफी करते हैं ना, वो माना करते हैं। मेरे साथ क्या होता है, मैं बोलता रहता हूँ, घर में प्रेशर है, आप ट्रेडिंग करते हो, इतना ये करते हो, पैसा किधर है? ओके नहीं होगा ना पैसे, कैसे होगा? 1 ईयर 2 ईयर आपके पास प्रेशर होगा, घर से प्रेशर होगा, पैसा नहीं है, पैसा नहीं दे रहे, सिंपली यूर वेस्टिंग टाइम, वीडियोस देखते हो, मार्केट में एनालिसिस करते रहते हो, पैसा किधर है? अरे उनको पता नहीं है ना सर, 2 ईयर्स तक कोई पैसा नहीं बनेगा, सही है ना? आप तो सीख रहे हो अभी, सही है ना? यस सर, हाँ, 3 ईयर्स के बाद तो होगा, पैसा होगा ना सर, उनको कितना चाहिए उतना दे सकते हो सर, ना? यस अगर सर, आपने ये 2,500 का स्टॉप लॉस को बचने को सीखा, रिस्क मैनेजमेंट में सीखा, क्या फर्क पड़ता है सर आपने 25 लाख से ट्रेड किया तो? यू लर्न इट राइट? सर, यस सर, ओके ये सीखना है सर, ये पॉइंट क्लियर है सर, कोई बेवकूफी नहीं करना है, अगर आपको यस फैमिली सर, नहीं समझता है, आप जो काम कर रहे हो उसको करो, आपका जो सैलरी है वो दे दो, मैं फैमिली फैमिली को डिस्टर्ब मत करना, 2 2 ईयर्स यू सैक्रिफाइस योर टाइम, स्पेंड टाइम, हाँ यस सर, अगर ऑफिस यस में सर, ट्रेड भी नहीं हो सकता है, ट्रेड करना नहीं हो सकता है, रात में आके देखो क्या हो, आपने क्या स्टॉक पिक किए थे, क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, ये आपको विनर बनेगा, ये पॉइंट क्लियर है ना सर?
यस सर। सर, हाँ फाइन, बाद यस। में ऑप्शन ट्रेड जो करना है मैं सिखाता हूँ 2-3 डेज, इसके बाद मैं लाइव में ही आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। लेकिन वो जो ऑप्शन जो ट्रेड है, वो जो पैसा इधर से ही आना चाहिए, क्लियर है ना, इंट्राडे का जो प्रॉफिट आता है सर, समझ रहे हो ना सर, इंट्राडे का जो हाँ प्रॉफिट आता है वही आपका ऑप्शन का ट्रेड होना चाहिए, फाइन। ओके सर। हाँ, उसके लिए मैं आपको बोला आफ्टर द ये दिस वन व्हाट इज दैट डाउट क्लियरिंग सेशन मैं आपको भेजता हूं बोल के। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है आप कुछ देख के कुछ ऑप्शन ट्रेड करते हो, ऐसा कुछ नहीं है सर, समझ रहे हो ना सर, ऐसा नहीं होता है, देयर इज अ प्रॉपर साइंस बिहाइंड इट, फाइन सर। यस सर, यस मैं जो बताया समझ में आ गया ना सर, सर, यस कोई सर, बेवकूफी नहीं करना है। सेकंड चीज, आपको फैमिली को ट्रबल नहीं करना है। कोई है बोलता है मैं फुल टाइम लेता हूं, अरे क्यों ले रहे हो, पागल है आप, क्या बताया आपको, किसी का ट्रेनिंग ले लिया, किसी का वीडियो देख लिया, फुल टाइम बनते हैं, फैमिली का क्या कहेगा। 2 इयर्स मेहनत करना है सर, ये पॉइंट क्लियर है सर। यस सर, यस सर, यस बोला सर, प्लास्टिंग करने वाला लोग जो बिल्डिंग काम करता है वो सीखने के लिए 6 या 7 इयर्स ले रहा है, हम स्टॉक मार्केट को सही है ना सर, यस सर, सर नो, यस सर, ओके फाइन। सो मैं जो है कॉन्सेप्ट बता दिया हूं सर, ये आपको भेजता हूं, दिस इज द फॉर्मेट, मतलब क्या होना चाहिए आपका ट्रेड को, इधर आप एक करो, आपका जो शुरुआत है, आपका जो ट्रेडिंग का शुरुआत है बहुत कम अमाउंट से होना चाहिए। क्या होता है सर, आप एक अमाउंट से शुरू करो 2,500, उसका स्टॉप लॉस कितना होगा, 25 रुपीज, ट्वेंटी मतलब 25 रुपीज परसेंट सर, आपका कैपिटल का 1%, सही है ना। यस सर, फाइव यस इयर्स के बाद आप 1 करोड़ में ट्रेड कर रहे हो, स्टॉप लॉस कितना है, 1 लाख का, सही है ना, यस आपका जिंदगी नहीं जा रहा है, आपको 1 करोड़ नहीं जाए, अगर ट्रेड गलत भी हो गया 1 लाख जा रहा है, सही है ना, 1%। सर, मेरा जर्नी को 1 करोड़ से नहीं शुरू करता हूं मैं शुरू करता हूं 22,500 से, अगर चाहिए तो यू कैन ट्रेड विद 5,000 ऑल्सो, फाइन सर, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, फाइन सर, यस सर। 5,000 का इक्विटी मतलब है में, 50 करोड़, यस सर। सर इक्विटी में 1 लाख एसएल से मतलब बाय सेल हो सकता है, मतलब इतना लिक्विडिटी रहेगा उसी टाइम के हिसाब से उतना शेयर मिल जाएगा। हाँ नहीं, क्या होता है सर, इफ यू आर ट्रेडिंग अबव 5 लाख, यू हैव टू ट्रेड विद फ्यूचर्स सर, हाँ, यू हैव ओके टू सर, थैंक ट्रेड विद फ्यूचर्स, मतलब आपको लेवल पता है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिक्विडिटी उतना नहीं होता है, अच्छा, आप जो थैंक यू प्राइस सर। में पूछ रहे हो मतलब चाहिए उतना नहीं मिलता है। मैं एक्चुअली हाँ आई वाज वही कुछ वर्किंग नहीं। फॉर अ मॉर्गन स्टैनले, पता है ना मॉर्गन स्टैनले, पता है आपको, आई वाज वर्किंग हाँ देयर फॉर अ व्हाट यू कॉल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ट्रेडिंग अकाउंट ही था उनका, मतलब ये सारे बने छोड़ दिया, क्या है उसमें अभी बोल देता हूँ मैं। अगर मान लो वो व्हेन दे वेर प्लेसिंग ए ट्रेड, ओके, जब मिलियंस में ट्रेड होगा ना सर, एक्चुअली हम तो क्या करते हाँ हैं, एक ट्रेड ले लिया उधर से इमिडिएटली एंटर कर लेते हैं, सही है ना सर। हाँ एक्चुअली अगर वो लोग मतलब 1 मिलियन डॉलर का ट्रेड लेना है, 1 वीक का प्रोसेस है सर, समझ रहे हो, अच्छा, हाँ सारे मतलब इधर से अप्रूवल होना चाहिए, हायरार्की का अप्रूवल होना चाहिए, उसके बाद वो लोग प्लेस करते हैं, हाँ उनको अप्रूवल होने का उसके बाद ही उनको ट्रेड प्लेस करना है, वो सारे मतलब देर इज ए स्टेजेस, समझ रहे ना, हम तो क्या है 1 लाख में ट्रेड करने के लिए क्या अप्रूवल चाहिए किसका, सही है ना। हाँ, यस सर, मैं जो 1 लाख में करता हूँ सर, वन एक्चुअली मैं मुझे ज्यादा से करना है, लेकिन बिकॉज ऑफ माई कंडीशन, मतलब जो कंडीशन है सर, एक्चुअली मैं पार्ट टाइम ट्रेडर बन चुका हूँ, क्योंकि मेरा बेटे को मैं देखना है, ओके नाइन यस सिक्स मेरे बेटे का काम मेरा है, शी इज 2 एंड 2.5 ईयर्स, ओके थोड़ा प्रेशर होता है, समझ रहे हो ना सर, वो कारण से आई केप द स्टॉप लॉस फॉर 1,000 रुपीज इटसेल्फ। बाद में मैं थोड़ा आरएनडी भी कर रहा था, क्योंकि मेरा मेरे पीछे कोई गुरु नहीं है, क्लियर है ना फाइन यस सर। हाँ, मैं जब किधर भी ट्रेनिंग लिया था, निर्मल सर बोल के मेरा गुरु जी है, उनसे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होके उनसे बाहर आया था मैंने, ओके फाइन सर। यस सर, हाँ, यस मेरा सर, गुरु वही यस है, सर, यस मतलब सर, बिकॉज ऑफ माई स्टुपिडिटी और वॉट एवर, आई जस्ट केम आउट, हाँ
मेरा कंडीशन ऐसा था, मतलब सबका होता है, मेरे पास कोई गुरुजी नहीं है। उसको थोड़ा आरएनडी करना था मुझे, वो कारण से जो करता हूं वो कारण से मैं 1 लाख से कर रहा था, तो ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 1 लाख में ट्रेडिंग करने के लिए नहीं सीखा हूं, सही है ना सर? आई डिड नॉट सर। स्पेंड माई 7 ईयर्स टू डू 1 लाख का कैपिटल में ट्रेड करने के लिए, नहीं क्यों, मुझे करना है, बड़े करना है करेंगे। फाइन सर, ये जो पैसा है ना सर, इधर से ही आना चाहिए, क्लियर? अगर टू अभी 1 लाख में है ना, नेक्स्ट स्टॉप लॉस 2000, 2000 है, 2 लाख होना चाहिए, सही है ना कैपिटल? सही है ना? ऐसा नहीं है मेरा बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करके इसमें करूं, नहीं, इधर आएगा, हाँ, इसी को मैं 2000 स्टॉप लॉस में करूंगा। ये पॉइंट क्लियर है सर? यस हाँ, सर। मैं कर चुका हूँ, फिर भी आई केप्ट इट फॉर 1 ईयर, मे बी वन नेक्स्ट मंथ और दिसंबर से मैं 2 लाख से या 5 लाख से करना शुरू कर दूंगा। फाइन सर, एक बार मैं बेबी सिटिंग के गया ना, मैं फ्री हो जाता हूँ। बहुत प्रेशर होता है सर, किसको उसका एक्सपीरियंस है उनको पता है, हाँ? नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या है, बोल क्या बोल रहा हूँ मैं बोल के। फाइन सर, इतना क्लियर है? हाँ, देखो सर, यस सर। आप स्टडी करो, फैमिली को डिस्टर्ब मत करो, कोई बेवकूफी मत करो, कुछ भी करो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना, ये 3 पॉइंट जब आप प्रैक्टिस करते हो, कम कम से शुरू करना, ओके? इतना साल हो गया, यस उसमें क्या है, नेक्स्ट 6 मंथ्स सर, मैं क्या है, आप डरो मत, मैं 440 ट्रेड्स बोल रहा हूँ सर, आप प्रॉपरली 60 ट्रेड्स करो सर, 60 2 मंथ्स, ओके? 2 3 मंथ्स सर, अगर चाहिए तो मैं इसको बुला सर। सकता हूँ क्लास में, उसका कॉन्फिडेंस देखो, ओके? समझ रहे हो ना सर? इसका 70 80 ट्रेड्स हो गया ना सर, सर। कोई फंड ऐड नहीं किया है, ओके? तो चाहिए तो उनका एक्सपीरियंस के लिए मैं उसको क्लास में बुला सकता हूँ, फिर किसी को भी बुला सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? फंड ऐड नहीं करना है सर, अगर आपने प्रॉपरली बैंक, कोई फंड ही नहीं चाहिए आपको, वर्किंग कैपिटल ही नहीं चाहिए। हाँ, मुझे लगता है, मतलब 2500 से क्या मिलेगा सर, एक टी भी नहीं मिलता है, सही है ना? 100 रुपीज में एक टी नहीं मिलता है कॉफी डे में, सही है ना? हाँ हाँ? सही बोले। हाँ, लेकिन क्या है, हमें प्रैक्टिस इतना ही करना है ना, सही है ना यस सर? सर। हाँ, ओके फाइन। देखो सर, आगे कभी भी यू हैव पेड मी 5000 रुपीज, राइट? मेरा इंटेंशन क्या है, आपको सीखना है। देखो, इफ यू आर प्रॉपरली, व्हाट इज योर इंटेंशन, योर इंटेंशन इज टू लर्न, ओके? मैं आपके साथ में हूं, फाइन? ओके सर। कभी भी मुझे कॉल करके कोई वीडियो चाहिए, कुछ चाहिए, हाँ, डेफिनेटली आई विल सेंड यू, फाइन सर? यस सर। ओके, थैंक फाइन, ऑल राइट, फाइन, आगे बढ़ता हूँ सर। और क्या है, ओके, मैं ये क्या बोल रहा था सर, इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूं मैं। देखो, जब आप मान लो 5000 में ट्रेड कर रहे हो, ओके, उसमें कितना का लॉस हो गया, 50,000 का लॉस, 50 रुपीज का लॉस हो गया, सही है ना? यस सर। एक ट्रेड में हाँ ये 50 रुपीज गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, सर। अभी नहीं सर। हाँ नहीं है ना, नहीं सर, सही है ना कोई सर? फर्क नहीं अगर पड़ेगा। मान लो लॉस हो गया, 50 रुपीज गया, अगर प्रॉफिट आ गया, मान लो 200 रुपीज आ गया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना सर, इससे क्या मिलेगा 200 रुपीज में? बिल्कुल यस फिफ्टी सर। रुपीज में क्या मिलेगा, 200 रुपीज में क्या, कुछ भी नहीं मिल रहा है ना सर, यस सर। यस आया तो भी कुछ भी नहीं है, गया तो भी कुछ भी नहीं है, सही है ना? जी इसका मतलब यस है सुख शांति है ना माइंड में, हाँ? यस यस, मेरा घर का ईएमआई बांधना है, 25,000 है, यस सर। उसको करने में मुझे प्रेशर नहीं है, प्रेशर है माइंड में, सही है ना? मैं कुछ सर। वीडियोस देखे, मेरा ईएमआई को ट्रेडिंग से ही बनता हूं, नहीं होगा ना सर, वही तो बोल रहा हूं मैं। 50 रुपीज लॉस किया, 200 रुपीज आ गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसको अगर आपने 100 ट्रेड्स कर दिया, आपको सुख शांति है ना माइंड में, आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है ना? यस सर। जब आप इसमें होल्ड आ यस गया, सर। ये 50 रुपीज 500 रुपीज हो सकता है ना सर, एक जीरो ऐड करने से कुछ नहीं होने वाला है ना, यस क्योंकि यू लर्न इट। सर। उसके आगे आप और एक जीरो भी डाल सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस सही है ना सर? सर। यस, यस सीखना है सर, फाइन। यस सर। ऑल राइट रिकॉर्डिंग सर, चल रहा है ना? रिकॉर्डिंग, ओके, चल रहा है सर, चल रहा है, चल रहा है, थैंक ओके ओके। ये मतलब देखो, मैं आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका डाउट्स क्या है, उसके ऊपर है, मैं कितना दिन में करना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली मैं क्लासेस शुरू कर रहा हूँ अभी, उनका टाइम है, उनके अभी थोड़ा वीडियोस देखा हूँ, सो आई हैव ऑल द टाइम टू डेडिकेट फॉर यू। आई विल डू 2 टू 3 डेज ऑप्शन ट्रेडिंग, ओके?
ओके एक्चुअली मैं क्या ओके करता हूँ सर, मेरे स्टूडेंट के साथ, मेरे स्टूडेंट्स के मतलब मेरे मुझे जो मानते हैं, मतलब देयर आर सो मेनी कंडीशंस, उनके साथ मैं लाइव ट्रेडिंग भी करता हूँ। ओके मॉर्निंग में, ओके चाहिए तो देखेंगे, मतलब उसमें भी ऐड करने का कोशिश करता हूँ। आपको आपको सीखना है, फाइन सर, कोई बेवकूफी मत करो, मैं इतना ही रिक्वेस्ट बोलता हूँ। एक्चुअली मेरा इंटेंशन क्या है, यस इंटेंशन आपको सीखना है, सही तरीके से सीखना है। किसी का 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, मुझे 19:80 का ट्रेड हो गया, 19:20 का ट्रेड यूट्यूब में मिलते हैं ना सर, सही है ना सर। बहुत मिलते हैं सर यूट्यूब में ऐसा। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मैं बार बार बोलता रहता हूँ सर, बहुत वीडियोस तो यस मतलब सर आता रहता है। देर आर फ्यू पीपल, हाँ जैसे 19:10 हो गया, सही है, कर रहे हो सही, दिखा दो ना भाई। मैं 10,000 का प्रॉफिट नहीं पूछ रहा हूँ, 10 रुपीज का प्रॉफिट किया आपने, दिखा दो ना, दिखा दो ना भाई, मुझे खुश होगा ना, मैं इसको सीखता हूं। यस मैं कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ कोई कला में लगा दिया, इधर गया उधर गया, हाँ वो भी 3-4 दिन में एक वीडियो आया, उनके पीछे भाग के वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं सर। ये सारे आपका दिमाग से हटाना चाहिए सर, ये पॉइंट क्लियर है, ये बेवकूफी मैं भी किया हूं, फाइन सर। उनके क्या पूछता हूं मैं, उसकी 1 वीक का पीएनएल पूछो सर, इतना बड़े बड़े ये करते हैं ना। हाँ ये कोई किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूं सर, मेरा इंटेंशन है आप सीखना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट पे रहना चाहिए, क्लियर है ना। ओके फाइन यस सर सर, आगे बढ़ेंगे, आपका जो भी डाउट्स है सर, ओके मुझे पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, देर इज अ प्रॉफिट मेथड, राइट, प्रॉफिट मेथड में एक्चुअली मैं इसको करना चाहता हूँ। नहीं तो आपका इसमें जो भी डाउट्स है उसको पूछो सर, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। बाद में मैं बोला ना सर, एटलीस्ट 5 टाइम्स देखना है सर। सर मैं पता नहीं सर आपने किससे भी ट्रेनिंग लिया होगा सर, मैं जो बताया गया हूँ किसी ने नहीं बताया है, पॉइंट सही है ना सर। यस सर यस सर, यस सर सेकंड चीज है, इसको थोड़ा मतलब आपका ब्लड में घुसने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा सर, किसी को 1 मंथ लगेगा, किसी को 3 मंथ लगेगा, किसी को 6 मंथ लगेगा। ओके ओके सर वो बीच में कोई बेवकूफी नहीं करना है, यू डोंट हैव टू। देखो आपका दिमाग में तो प्रेशर होगा सर, मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूं, समझ रहे हो ना, फाइन हाँ सर सर। ये तो पता चल गया कि यस कोई रूल नहीं है, मतलब सही है, सही है, शॉर्टकट नहीं है, सही हाँ शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। है। क्या होता है कभी सर, बाय एक का चीज, हाइपो लेके सेल करना पड़ता है, कभी सेल का हाइपो लेके बाय करना पड़ता है, ओके वो ये देखेंगे सर, वो मैं क्लियर मतलब करता हूं, मैं वो क्या है वो क्लियर करता हूं। हाँ फंडामेंटल्स क्या है, मतलब आपका जो माइंड का जो टेक्निक है, मतलब माइंड सेटअप है ना, ऐसा होना चाहिए। क्या होता है सर, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता हूँ, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, खाना नहीं खाता था, सोता नहीं था, कुछ भी नहीं है, घर में पूछते थे क्या कर रहे हो, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, इसके पीछे जब भी पूछते हो टेंशन टेंशन टेंशन, उनको क्या पता था मैं क्या करने वाला था। सबका होता है सर। जी सर, हाँ सबके साथ होता है, वो टाइम पे आप थोड़ा स्ट्रांग रहना है। ओके यस सर उनको पता नहीं है ना, मतलब उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है। अगर आप 8 आवर्स, इफ यू स्लीप फॉर 8 आवर्स, कट डाउन टू 4 आवर्स उनके साथ, इधर यू वर्क ऑन हियर, डोंट आस्क मनी, एनी मनी फ्रॉम एनी बडी सर, डोंट टेक मनी फ्रॉम एनी बडी, मनी इज ए पॉइजन, वेदर यू गिव और यू टेक, इट इज ए पॉइजन सर, ये पॉइंट क्लियर है, किसी का पैसा नहीं लेना है। ओके सर, यस क्यों सर बोल रहा हूं, मेरे फ्रेंड के साथ मैं 1 लाख दे दो, मैं डेली 1% दूंगा, लेके कितना डुबा दिया मुझे पता है, समझ रहे हो ना सर। सर ये सारे बेवकूफी हाँ नहीं सर करना आपका मैं, लैपटॉप के बारे में तो पता है, क्या सर वो लैपटॉप लेके भागा था कुछ बंदे किधर सर, ने, आपने लैपटॉप दिया था ना, कुछ बंदा था ओ नहीं नहीं मैं आपका स्टूडेंट से बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं क्या मतलब। बोल रहा हूँ, जब मैं ट्रेडिंग शुरू करता था ना, शुरू किया था 5-7 ईयर्स पहले, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ पूछता था, मुझे 50,000 दे दो, मैं आपको डेली 500 रुपीज दूंगा बोल के, क्योंकि 50,000 में अच्छा मैं 5,000 कर सकता हूँ ना, मैंने मुझे कुछ भी पता नहीं है, फिर भी क्या हाँ है, वो एक उम्मीद है ना, वो 50,000 2 दिन में खत्म, उसके बाद मुझे सैलरी से देना पड़ेगा, सही है ना। ये सारा किया हूं उसके लिए, सही इससे पैसा मत पूछना सर, क्लियर है ना, ट्रेडिंग के लिए पैसा नहीं चाहिए सर, ये चीज मुझे बहुत साल के बाद समझ में आ गया, फाइन। यस हाँ ऑलराइट यस सर, सर आपका जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करता सर, ये फंडामेंटल है सर, ये वीडियो बार बार देखना है सर। ओके फाइन, ये सच्चाई है, यस देखो सर आपका प्रेशर होगा, यस मनी चाहिए, सर सबको चाहिए सर, जस्ट टू डेडिकेट योर 1 ईयर टाइम सर, सब कुछ आपको मिल जाएगा, फाइन।
यस सर, दुनिया का सब कुछ मैं बोलता हूँ सर, इतना इतना मतलब इससे भी क्या कमी बोल सकता हूँ मुझे पता नहीं है सर। मैं सुसर पे गया था, रोड पे था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सही है, अभी मेरे पास सब कुछ है, दुनिया में क्या होना चाहिए। फाइन सर, एक एक नहीं है, दो दो है। यस सर, ये सारे ट्रेडिंग का ही है, कहाँ से ट्रेडिंग नॉलेज का सीखा? ही है सर। ये पॉइंट क्लियर है सर, सिर्फ यस सर, स्पेंड टाइम 1 or 2 years सर, उतना ही। ऑलराइट right? यस आपको मैंने, कोई बॉस सर, नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं यस है, सर, ओके okay? मैं किसी को भी सुनता नहीं हूँ। हाँ, मैं थोड़ा गुस्से से बात करता हूँ क्योंकि ये जो हरकतें नहीं करना चाहिए, बेवकूफी नहीं करना चाहिए, उतना ही, और कुछ नहीं है। मीठी बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। चलो भाई, अभी क्या है, 1 मिनट बचा है, एक्चुअली 45 मिनट्स का होगा ना, लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक सर, ओके। ओके सर, यू आस्क मी योर यस सर, डाउट्स, आपको जो करना है, एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, आई विल डू अ प्रॉफिट मेथड, ओके ओके। इसको मैं सर, रिविजन करता हूँ, मैं प्रॉफिट मेथड को, अगर उसके पहले आपका जो भी, वो 1-2 दिन आपका जो भी डाउट्स है ना, उसको मैं क्लियर करता हूँ पहले। फाइन, सर, ऑल राइट सर, यस सर, लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। मैं और एक लिंक भेजता हूँ, इमीडिएटली ज्वाइन होना है। फाइन, यस सर, ओके सर, थैंक यू।